हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजट की बड़ी घोषणाओं के बारे में बात करेंगे। आपको पता है राजस्थान का बजट डिक्लेयर किया गया है आज, और हम बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग की और साथ में कुछ अन्य विभागों की चर्चा करेंगे जहां पे भर्तियों की घोषणा हुई है। तो ये आप देख सकते हो, राजस्थान बजट 2020-21 के अंदर 53,151 पदों पर आपकी भर्तियाँ होने वाली है टोटल, जिसमें जो सर्वाधिक है वो 41,000 शिक्षा विभाग के अंदर ये पद आपको मिलने वाले हैं, जिसमें थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पद शामिल हैं। उसके बाद में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता अब 17% महंगाई भत्ता दिया जाएगा, और उसके अलावा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बनेगा कंप्यूटर शिक्षकों का कैडर। उसके बाद में आप ये देख सकते हो, प्रदेश के 33 जिलों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की अपार सफलता के बाद 167 ब्लॉकों में यह विद्यालय खोले जाएंगे। उसके अतिरिक्त 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय व 300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय आवश्यकता अनुसार खोले जाएंगे। उसके बाद में समस्त सरकारी विद्यालयों में हर शनिवार को नो बैग डे रहेगा। इस दिन पेरेंट टीचर मीटिंग, हैप्पीनेस थेरेपी, सांस्कृतिक गतिविधियों, जीवन मूल्य और नैतिक शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, खेलकूद, बाल सभाएं, भाषा और कौशल विकास, निरोगी राजस्थान से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाएगी। उसके अलावा आप देख सकते हो, कंप्यूटर टीचर्स का अलग कैडर नहीं होने की वजह से कंप्यूटर शिक्षा प्रभावित होती है, लेकिन अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए कंप्यूटर शिक्षक कैडर के सृजन की घोषणा हुई, जिससे स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की कमी पूरी होगी, यानी कंप्यूटर शिक्षकों की भी वैकेंसी आपको जल्दी मिलने वाली है। आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से 66 KGBV छात्रावासों की स्थापना की जाएगी, और प्रथम चरण में 22 ब्लॉक्स में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां थी बजट से संबंधित। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।